दोस्तों एक बार स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े और मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए उसे रातें बस स्टैंड पर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने $25 में अपने डॉग को बेच दिया। लेकिन उसने एक दिन मोहम्मद अली का मैच देखा, उनसे इंस्पायर होकर 20 घंटे बैठकर स्क्रिप्ट लिखी और उसे लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने के लिए तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रखी, इस मूवी में लीड रोल वही करेगा जो कि प्रोड्यूसर को ना गवारा था। उस प्रोड्यूसर ने उससे कहा, मैं तुम्हें $2,50,000 देने के लिए तैयार हूँ ये स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ, फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और उस मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम रॉकी था और वो सुपर हिट साबित हुई। उस बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टालोन, जिस बंदे को $25 में अपना डॉगी बेचना पड़ा था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है। हॉलीवुड का सबसे महंगा एक्टर ड्वेन जॉनसन द रॉक है, जिसका भारी भरकम शरीर और गजब की एक्टिंग के आगे हॉलीवुड के हैंडसम से हैंडसम एक्टर फीके पड़ जाते हैं। वैसे तो रॉक की चाहत बचपन से फुटबॉलर बनने की थी, लेकिन कई बार चोट लगने की वजह से रॉक को टीम से निकाल दिया जाता। इसी चीज को देख कर रॉक ने फुटबॉल की दुनिया छोड़ रेसलिंग में अपना कदम रखा, जहाँ 90s की WWE की रेसलिंग में फेमस होने की वजह से बाद में रॉक ने हॉलीवुड की दुनिया में एक्टिंग की। 2002 में रॉक की पहली फिल्म द मम्मी रिटर्न की कामयाबी असल में रॉक की कामयाबी की सीढ़ी थी। इसके बाद रॉक एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की शुरुआत होने लगी। ड्वेन जॉनसन द रॉक WWE की रेसलिंग से कई ज्यादा फेमस होने लगे और द रॉक का बैंक अकाउंट उनकी बॉडी की तरह बढ़ता चला गया, जिसके चलते द रॉक आज 3,000 करोड़ के मालिक है। जब भी कोई मैच का सीजन खत्म हो जाता था, लेजेंडली बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन हर टीम के बेस्ट प्लेयर को एक फ्रेंडली मैच के लिए इनवाइट करते थे और कोई प्लेयर मना भी नहीं कर सकता था कि भाई इनवाइट भी किसने किया है। वो सोचते थे सारे मैच खत्म हो गए हैं, अब हम फ्री भी हैं, तो एक तरह का गेट टुगेदर हो जाएगा। तो माइकल जॉर्डन सबको बुला दो टीम बनाते थे, 3 से 4 प्रैक्टिस मैच रखते थे, सब एंजॉय करने के लिए खेलते थे, लेकिन सिर्फ माइकल जॉर्डन को छोड़कर। वो क्या करते थे उस दौरान, हर एक प्लेयर जो अपने टीम का बेस्ट प्लेयर है उसे स्टडी करते थे और देखते थे किस पर्टिकुलर प्लेयर में क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ, और अपने आप को नेक्स्ट मैच के लिए तैयार करते थे। और जब एक्चुअल में उनका उस टीम से मैच होता था जिसके बेस्ट प्लेयर थे वो खेल चुके थे, पूरे मैच उन्हें डोमिनेट करते थे, और ऐसा खुद माइकल जॉर्डन ने एडमिट किया है। विल स्मिथ जब 13 साल के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए, तभी से उनकी जिंदगी में स्ट्रगल शुरू हो गई थी। 15th एज में उन्होंने अपने रैप करियर की शुरुआत कर दी थी। अपने पिता के साथ लोगों के घर में जाकर रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करने का काम भी करते थे। वैसे तो पढ़ाई में बहुत तेज थे, पर रैप को ही करियर बनाना था। इस फैसले से उनके माँ बाप खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि उनका लड़का अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी जॉब ले ले बस। फिर भी उन्होंने अपने लड़के को 1 साल का वक्त दिया, लेकिन 1 साल किसी भी करियर के लिए काफी नहीं होता, लेकिन जो भी करना था इसी 1 साल में करना था। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक बनाया और इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, सब कुछ सही था। उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि सब खत्म हो गया, उनको खुद को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। लेकिन भाई ने हार नहीं मानी और एक्टिंग के ऑडिशन शुरू कर दिया, जो रैंडम डिसीजन की गर्लफ्रेंड ने लिया था। 10 मिनट के ऑडिशन ने दुनिया को एक रियल एक्टर दे दिया। जिंदगी में कभी कभी डाउनफॉल आपको ऊपर ले जाने के लिए आते हैं। दोस्तों माइकल फिलिप्स ने 2004 के ओलंपिक के बाद ही अनाउंस कर दिया था कि मैं 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। यह सुनकर उनके कॉम्पिटिटर ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, पर उन्होंने लोगों की बातों को ध्यान देने से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पर फोकस किया, जिसके चलते हर दिन 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों हर दिन 12 घंटे पानी में रहना ये सुनने में आसान लगता है, आप सिर्फ 2-3 घंटे कभी पानी में रहना अपनी डेडिकेशन से प्रैक्टिस करते वक्त। बदकिस्मती से 2007 में माइकल का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें 2008 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। यहाँ पर इस इंसान के माइंडसेट पर ध्यान देना, इस हादसे को उन्होंने ड्रॉप बैक नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और वो अपने पैरों से 1 साल तक स्विमिंग करने लगे। और इसी टूटे हुए हाथ के साथ ही माइकल फिलिप्स ने जो कहा उसे साबित कर दिया। 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर इस इंसान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। माइकल फिलिप्स ने अपने लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट सेट कर दिया जिसे किसी ने सोचा तक नहीं वो मैं करूंगा, ऐसा इस इंसान ने अनाउंस कर दिया था। और अपने एबनॉर्मल प्रैक्टिस और वर्क एथिक्स के चलते इस इंसान ने उसे हकीकत में बदल दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।